नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। देश संविधान से चलता है और संविधान में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी सबके लिए लक्ष्मण रेखा तय की गई है। लेकिन क्या यह लक्ष्मण रेखा लांघी जा रही है? ये सवाल खुद सरकार ने उठा दिया है, क्योंकि शायद मौजूदा सरकार न्यायपालिका से परेशान दिख रही है। लेकिन सवाल सिर्फ मौजूदा सरकार का नहीं है, क्योंकि पहले भी इस तरह के सवाल उठते रहे हैं। तो क्या वाकई सरकार जो कह रही है उसमें दम है, या फिर ये सब बेवजह का विवाद है? इसी मुद्दे पर आज यही हमारी बिग स्टोरी, बिग डिबेट, गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी। और मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक बेहद ही मुफीद, बहुत ही खास पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ इस पैनल में दो फॉर्मर जज हैं और मेरे साथ इस पैनल में तीन एडवोकेट हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं उनमें से कुछ, और मेरे साथ एक बहुत ही वेटरन पॉलिटिशियन भी इस मुद्दे पर है। मेरे साथ जस्टिस प्रभात चंद्र अग्रवाल हैं, फॉर्मर जज हाई कोर्ट ऑफ एमपी। मेरे साथ सीबी पांडे हैं, फॉर्मर जज। आभा सिंह हैं, सीनियर एडवोकेट। जयवीर शेरगिल मेरे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के, आप भी वकालत करते हैं। सुदेश वर्मा, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी, आपका भी वकालत का नाता है। और सुधींद्र भदौरिया, स्पोक्स पर्सन बीएसपी, मेरे साथ जुड़ेंगे इस पैनल में, जो बहुत ही वेटरन पॉलिटिशियन है, और उनसे भी हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है। लेकिन सुदेश वर्मा, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली जीएसटी के मुद्दे पर बोलते हुए जिस तरह से न्यायपालिका पर सवाल उठा गए, जिस तरह से न्यायपालिका को हिट कर गए, वो लगता है उनके मन की टीस या सरकार के मन की टीस सामने आ गई। साफ कह दिया उन्होंने कि लगता है कि अदालत सरकार के कामकाज में दखल दे रही है। सर, कोई एक आप इश्यू बता दीजिए, कोई एक ऐसा आप मामला बता दीजिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत ने संविधान से ऊपर जाकर सरकार के कामकाज में दखल दिया। देखिए, सबसे पहली बात है, आपको समझना पड़ेगा किस कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट आया। ये जो स्टेटमेंट आया दो कॉन्टेक्स्ट में आया। एक जीएसटी के ऊपर, वो बात कर रहे थे कांग्रेस वाले की पैनल बना दीजिए जो नेगोशिएशन के लिए टैक्सेस पर, तो उन्होंने बोला कि टैक्सेशन जो डोमेन है ये लेजिस्लेटर का डोमेन है, इसको मत दो, बाकी सारी चीज़ तो जुडिशियरी ओवररीच कर ही चुकी है। दूसरा जो आया अभी, जुडिशियरी ने एक पास किया जजमेंट जिसने बोला कि आप डायरेक्शन दिया सेंटर को, बोला कि नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड बनाइए। तो इनका कहना था कि ऑलरेडी नेशनल लेवल पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है, स्टेट लेवल पर भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, और अप्रोप्रिएशन के बिल के बिना नहीं हो सकता। तो जुडिशियरी अगर लेजिस्लेटिव बिजनेस को हैंडल करने लगे तो शायद जुडिशियरी उतना कॉम्पिटेंट नहीं है, और यही कारण है कि सुदेश वर्मा जी, डिफरेंट आर्म्स हैं। सुदेश वर्मा जी मैं फिर आपसे वही सवाल पूछूंगा। आपने कहा फंड ऑलरेडी है और राज्य सरकारों के पास भी है, केंद्र सरकारों के पास भी है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को लगा कि वो फंड सफिशिएंट नहीं है, कम पड़ रहा है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को उठाया। और अगर सूखे को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई चिंता जता रहा है, आप एक कोई मामला बता दीजिए। मैं फिर से आपसे सवाल पूछता हूं, आप नहीं सर, आप एक सवाल बता, एक मामला बता दीजिए जहां सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला गलत दिया, आपको लगा कि ये फैसला सही नहीं है, सरकार के कामकाज में दखलअंदाजी है, आप एक मामला बता दीजिए। देखिए, बहुत से मामले, डीजल गाड़ियों के ऊपर देखिए एक ऐसा फैसला आया जिसके, ऐसा नहीं है फैसला गलत है, लेकिन हमारा कहना है ये फैसला क्या यही एक अंतिम फैसला है? आप अगर बोलते हैं कि कौन तय करेगा, आप इतने सालों से सरकार में पोल्यूशन पर आप क्या कर पाए? सर एक मिनट सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। एसटीएफ की बात की, पोल्यूशन आपको समस्या नहीं दिखती क्या? तो क्या वही फाइनल जजमेंट है? और क्या वही फाइनल सोल्यूशन है? सर, इस देश फाइनल सोल्यूशन पार्लियामेंटेरियंस को डिस्कस करके इवॉल्व करने दीजिए, इसीलिए पार्लियामेंट है। 1980 से मामला चल रहा है सर, और आप भी कितने बार सरकार में रहे हैं, और दूसरी पार्टियां भी कितनी बार सरकार में रही हैं, किसी पार्टी की नहीं है, बात किसी सरकार की नहीं है। डीजल बैन की आप बात कर रहे हैं, 1980 से मामला चल रहा है सर, और तब से आप इतने सीरियस मुद्दे को उठाए हैं, इतना हल्का मुद्दा नहीं है। देखिए, आप ये सोचिए कि तीन जो अपने आर्म से इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर, इन तीनों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और एक दूसरे के गरिमा को समझना पड़ेगा। अगर आप बोले कि पार्लियामेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है इसलिए जुडिशियरी इंटरवीन करे, तो क्या जुडिशियरी पार्लियामेंटेरियंस का फंक्शन करेगी क्या? बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आपकी बात से 100% सहमत हूँ सर, और आपकी इस बात को मानता हूँ जो आपने अभी लेजिस्लेटिव और जो सबको, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को लेकर जो आपने बात कही, इन तीनों व्यवस्थाओं को लेकर जो आपने बात की। लेकिन फिर आपसे मैं, और पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हैं, इसमें कुछ फॉर्मर जज भी हैं और सीनियर एडवोकेट्स भी, उनसे मैं इस बात को पूछूंगा और आपके जो कंसर्न्स हैं, आपके जो ग्रीवेंसेस हैं, उन पर उनसे जवाब लूंगा। लेकिन फिर से सर, एक मामला बता दीजिए जिसमें आपको लगा कि सरकार को दखलअंदाजी दी सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार के लिए सेटबैक हो, मिटिगेशन फंड बनाओ, मैंने तो बताया मुझे आप हैं इस बहस में, आपको मैंने, आपका मैंने नाम लिया और आप हैं इस बहस में, मैंने बोला है आपको, बोलिए 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 सुदेश वर्मा, जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए सर, मैंने जो आपसे सवाल पूछा सुदेश वर्मा,
जी देखिए, अभी नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड की जो बात हुई लेटेस्ट एग्जांपल है, और इस तरह के बहुत से एग्जांपल्स आए हैं जहां जुडिशियरी लगा कि जुडिशियरी ने अपना वर्डिक्ट दिया लेकिन लगा कि जुडिशियरी शायद सारे पहलुओं को नहीं समझ सकती। एनजीएससी की बात आई, एनजीएससी में पॉलिटिकल कंसेंसस था अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियरी का, तो अच्छा। उसमें लगा कि उनके पावर को रोका जा रहा, ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए आपको पता होना चाहिए जितने भी जजेस हैं उनको पब्लिक फंड से पैसा मिलता है। आपने एनजीएससी का मुद्दा उठा दिया, सर सुन लीजिए, सर मैं आपके सवाल पर भी कायम हूँ, सर मैं आपके सवाल पर भी कायम हूँ, विद फैक्ट्स आप कुछ नहीं बता पाए अभी तक कि कौन सा ऐसा मामला है सरकार के कामकाज में दखल दिया, और कहीं ना कहीं वो फंड अभी भी जो बात आप उठा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। इस वजह से सर आपने एनजीएससी का मुद्दा उठाया, आप सुन लीजिए, मेरे पास साफ है, मैं इस बात को कोट कर रहा हूँ क्योंकि सोर्सेज के हवाले से है, लेकिन आप जिस एनजीएससी के मुद्दे की बात कर रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जिसको आप जानते होंगे, अभी एक बात तय की गई है, कॉलेजियम सिस्टम जिसको आप लोगों ने हटाकर एनजीएससी को लाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया, सरकार और जुडिशरी मिलकर जजों के अपॉइंटमेंट करे। आपने जो उसमें एक नया क्लॉज जोड़ा है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, जहां तक मेरे सोर्सेस बता रहे हैं, जहां तक मेरे पास सोर्सेस की खबर है, सरकार का जो ये क्लॉज है उसको लेकर कॉलेजियम में एक आपत्ति है, और वो आपत्ति बहुत जल्दी चीफ जस्टिस जता सकते हैं सरकार के सामने, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कॉलेजियम के अधिकारों को लेकर ब्रीच कर रहा है सरकार, कहीं ना कहीं उस बैकडोर से उस कॉलेजियम में आने की कोशिश कर रही है जो एनजीएससी के जरिए आने की कोशिश की थी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जयवीर क्योंकि आप अपोजिशन पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और अपोजिशन का भी बहुत बड़ा स्टेक है इस डेमोक्रेसी में, सरकार का ये स्टैंड आपको कैसा लगता है बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अपोजिशन? आपने अच्छा टेक्निकल सवाल पूछा सुदेश जी से कि क्या क्या ऐसा मुद्दा है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मर्यादा लांग दी हो। बात ये नहीं है, बात तकनीकी नहीं है, प्रॉब्लम है सरकार के रवैये में। दो साल से न्यायालय न्यायपालिका से टकराव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक अहंकारी और एक तानाशाही सरकार है। हर वो संस्था, हर वो न्यायपालिका, हर वो समाज का हिस्सा जो इनकी बोली नहीं बोलता, या तो वो अपनी मर्यादा लांग रहा है या वो देशद्रोही है। आपने एनजीएसी का सवाल मुद्दा उठाया, इन्होंने कहा टायरनी ऑफ द अनइलेक्टेड श्री अरुण जेटली जी ने, अरे वो खुद भी तो अनइलेक्टेड हैं, वो कहां से इलेक्ट होके आए हैं। फिर उदित राज भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, गुजरात के कोर्ट ने एक रिजर्वेशन पे निर्णय दिया, इन्होंने कहा कि न्यायपालिका एक एक के बाद एक हमारा जो सांसद कानून पास करता है उसको बिन मतलब रद्द कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सहमति नहीं है कि किसको किस चीज का दोषी ठहराना है। मैं अरुण जेटली जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो उत्तराखंड का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको हजम नहीं कर पा रहे, क्या इनडायरेक्टली उसका बदला ले रहे हैं? सुब्रमण्यम स्वामी आज कहते हैं रघुग्राम राजन, क्योंकि सीधा हमला है कांग्रेस का आपके ऊपर, जवाब दीजिए इसका। हां जवाब दीजिए, नहीं जवाब दे लेते हैं, सुनिए आपके सवाल का जवाब दे लेते हैं, तत्व आपके सवाल का जवाब दे लेते हैं। उत्तराखंड की टीम से जो अरुण जेटली की कल निकली संसद में, गौरव जी आप जवाब जयशंकर का जवाब देते हैं, फिर मैं रघुराम राजन को शिकागो भेज देना चाहिए। गौरव जी सबसे पहले तो ये है कि जब मैं बोल रहा हूं तो आप मेरे बातों को म्यूट मत करिए, क्योंकि मुझे लगा कि जब जेबी सेरगिल हमारे ऊपर चार्जेस लगा रहे थे जिसका मैं जवाब देने की कोशिश किया तो आपने म्यूट कर दिया। नहीं आपकी बात बिल्कुल म्यूट नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट रही होगी, तो मैं ये एश्योरेंस देता हूं ना सुदेश जी, मेरी बात कभी म्यूट की नहीं गई आज तक, वरना म्यूट अभी की जा रही है, लेकिन आप आपको मौका दिया गया, जवाब दीजिए। मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि कांग्रेस इसमें भी राजनीति कर रही है, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं इसमें, कांग्रेस को पता होना चाहिए। मैं पूरा कागज लाया हूं, प्रधानमंत्री तत्कालीन 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या बोला था, केजे बालाकृष्णन जो चीफ जस्टिस थे उनसे सीधा टकराव हुआ था, और विज्ञान भवन में जो मीटिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिसेस की, उसमें उन्होंने बोला था कि अपने अपने दायरे में रहना चाहिए। केजे बालाकृष्णन ने भी बोला था इसी तरह से डेमोक्रेसी सुधर होगी। आपके पास आऊंगा उसके बाद, मेरे साथ जो कानून के तमाम जानकार है उनका भी मैं रुख करूंगा, लेकिन सुदिंद्र भदौरिया क्योंकि आप एक वेटरन पॉलिटिशियन है आप इन सब, और ये पहली बार कोई टकराव नहीं हो रहा है विधायिका और न्यायपालिका का, इससे पहले भी कई बार चर्चे होते रहे हैं, इस ताजा मामले को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए जब जो सरकार में होता है उसको लगता है कि उसके काम काज में दखल अंदाजी हो रही है,
यही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, जब आपातकाल लगाया गया था, और उससे भी कुछ समय पहले श्री अरुण जेटली जी जब छात्र नेता थे, तो इन्होंने भी उस समय तमाम तरह के आह्वान किए थे, जिससे यहाँ तक कि जयप्रकाश नारायण जी ने जब आह्वान किया कि देश की सेनाओं को, देश के तमाम उन फोर्सेस को वो फैसले नहीं मानने चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए जो जनहित में नहीं है, तो ये सब लोग उनके साथ थे। मुझे अवसर प्राप्त है, उस समय मैंने देखा और काम भी किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये केवल एक मौका नहीं है। आप देख लीजिए, दो ये जो अभी कहा गया, उत्तरांचल में इन्होंने, चाहे वो हाई कोर्ट का फैसला हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये इन्होंने माना, तो ये खुद इस तरह के मौके देते रहे हैं। अरे ये तो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील में जाएं, क्या हमें ये राइट नहीं है? देखिए साहब, देखिए, क्या मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, उत्तराखंड का मुद्दा नहीं है, सरकार में होते हैं तब तो आपको लगता है, नहीं 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 नहीं, देखिए मुझे कहने दीजिए, नहीं तो आप बोल लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपको अब लग रहा है, आप अरुण जेटली जी कह रहे हैं ब्रिक बाय ब्रिक द ज्यूडिशियल इंस्टीट्यूशंस आर ट्राइंग टू टेक अवे द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर्स। इसका क्या अर्थ है? जब आपने इंदिरा गांधी पर चार्ज लगाया तो सही था, जब कांग्रेस आप पर चार्ज लगा रही तो वो कह रही सही। आप दोनों ही लोगों को अंदर झांकना चाहिए।